पूरे 100 दिन बाद आखिरकार मैं निकल ही आया जेल से, बट मेरे को ये देखना है कि ये शिनचैन, पिनचैन और चॉप भाई मेरे से मिलने के लिए क्यों नहीं आए। भाई सीरियसली, मैं यार पिछले 100 दिनों से मैं जेल के अंदर बंद हूँ, और मतलब भाई 100 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको तो दूसरे तीसरे दिन ही ढूंढने लग जाना चाहिए था, बट ढूंढने की तो दूर की बात है भाई, ये लोग मेरे से जेल में मिलने के लिए भी नहीं आए और ना ही मुझे छुड़ाने की कोशिश की। मैं अभी फटाफट से जा रहा हूँ घर और पूछने वाला हूँ भाई ये शिनचैन, पिनचैन और चॉप से, उन्हें क्या पता कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है मेरे को जेल में। फर्स्ट डे से ट्राई कर रहा था मैं जेल से एस्केप करने का, और आखिरकार मुझे सक्सेस मिली गाइस 100वें दिन, और 100वें दिन मैं एस्केप कर ही गया उस जेल से। बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी यार, वो तो 100वें दिन भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं पकड़ा नहीं गया, वो साफ सफाई वाले के कपड़े पहन के और निकल आया मैं वहाँ से। बाकी ये कपड़े थोड़े अजीब से लग रहे हैं यार, दाढ़ी वाड़ी भी, ओ पुलिस वाले पुलिस वाले पुलिस वाले किसी और के पीछे पड़े हैं। चलो, वैसे मैं कह रहा था यार कि मेरे कपड़े और ये बाल वाल बढ़ गए हैं भाई, पता नहीं शिनचैन पिनचैन और चॉप मेरे को पहचानेंगे भी कि नहीं, पर जो भी हो अभी फिलहाल डायरेक्टली घर चलते हैं। मेरे को ये जानना है भाई क्यों नहीं आए ढूंढने के लिए, यहाँ पर शिनचैन पिनचैन 1-2 दिन के लिए गायब हो जाए, मैं पूरे लॉस सैंटोस में तबाही मचा देता हूँ, यहाँ पर मैं 100 दिन के लिए गायब रहा, ये लोग मेरे को ढूंढने तक भी नहीं आए, बताओ यार कोई बात होती है ये। इसीलिए अभी फटाफट से घर चलते हैं और सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं आए मेरे को बचाने के लिए, क्यों नहीं ढूंढना मेरे को। वैसे यार पुलिस वालों से एस्केप तो कर गया था मैं लास्ट टाइम, और अभी फिलहाल घर चलते हैं शांति से। ये गाड़ी भी मैंने रास्ते में छीनी थी गाइस एक बंदे से, क्योंकि जिस गाड़ी से मैं पुलिस वालों से एस्केप कर रहा था उस वाली गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी टूट फूट के, इसलिए मैंने एक बंदे से ये गाड़ी छीनी, और इसको फिलहाल अभी लेकर आ चुका हूँ घर पे। ओए बाहर निकलो, ओए शिनचैन पिनचैन और चॉप क्यों नहीं आए पे मेरे को ढूंढने के लिए, मेरे सवालों का जवाब दो भाई। हेलो, कहाँ छुप के बैठ गए हो, बाहर निकलो बे। ओए बाहर निकल, ओए चॉप के बच्चे शिनचैन पिनचैन कहाँ है, बाहर निकाल उन्हें। बे भाई साहब, ओए तू कौन है बे, ओए तमीज में, ओए क्या तमीज में, ओए तू कौन है बे, ओए निकल बे घर से बाहर निकल। हैं, घर से बाहर निकल, अबे मेरा ही घर है। अबे तेरा घर नहीं, अबे यह हमारे कलुए का घर है। अबे तो मैं कलुआ, मतलब मैं फ्रैंकलिन हूँ भाई। क्या बकवास कर रहा है तू, मैं भाई फ्रैंकलिन हूँ, मैं पहचान नहीं आ रहा क्या? अरे हाँ यार, पहचान में कहाँ से आऊंगा, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल। बे इससे पहले कि तेरा पिछवाड़ा नोच दू निकल जाए यहाँ से। अबे भाई फ्रैंकलिन हूँ, क्या हो गया तुझे? अबे यार ये तो पहचानने से ही मना कर रहा है साफ साफ। अबे मैं हूँ फ्रैंकलिन। बे यार कलुआ, तुझे तुझे अब याद आई भाई हमारी, तू कहाँ था पिछले 100 दिनों से? है 100 दिनों से कहाँ था मैं? बे हाँ यार, शिनचैन पिनचैन को यहाँ पर पुलिस वाले पकड़ के ले गए और तू पिछले 100 दिनों से आया भी नहीं है। क्या 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 बकवास क्या कर रहा है बे? बे हाँ यार बता, तू क्यों नहीं आया? अरे क्या तू बकवास कर रहा है, शिनचैन पिनचैन पुलिस वाले ले गए, तू क्लियरली बताएगा मेरे को हुआ क्या? बे देख भाई, वो उस दिन तू गया था अपना एक गाड़ी की डील करने के लिए। हाँ रात को मैं गया था, बस उसके बाद तू पता नहीं आया ही नहीं। अबे तो उसके बाद में आया तो था भाई घर पे गाड़ी भी लेके। अबे यार पता नहीं, लेकिन एक अजीबोगरीब डायमंड की कार के वजह से भाई शिनचैन और पिनचैन दोनों को पुलिस वालों ने उठा लिया भाई। क्या बकवास कर रहा है भाई तू? बे हाँ यार सच में। एक सेकंड गाइस रुक जाओ, मेरे को पहले पूरी की पूरी बात को समझने दो ध्यान से। तो मैं गया था भाई एक गाड़ी की डील करने के लिए, वहाँ से मुझे पैसे मिले, उन पैसों से रास्ते में भाई चौप मेरे को एक मस्त सी गाड़ी दिखी और एक बंदा देख रहा था वो गाड़ी, तो मैंने वो गाड़ी उससे खरीद ली और मैंने आके इधर गाड़ी अपने गैरेज में लगा दी। ठीक है भाई, तू आया था घर? बिल्कुल रात को आया था मैं, तुम लोग सारे के सारे सो रहे थे तो गाड़ी गैरेज में लगा के मैं भी सो गया। फिर सुबह जब मैं उठा तब भाई पुलिस वाले आ रखे थे। अच्छा भाई, फिर क्या, पुलिस वाले कह रहे कि ये तो प्रेसिडेंट की गाड़ी है, प्रेसिडेंट की गाड़ी चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे को अरेस्ट करके ले गए। तेरे को भी अरेस्ट करके ले गए? हाँ मेरे को अरेस्ट करके ले गए। अब इसके बाद क्या हुआ तू ये बता। इसके बाद क्या यार, फिर पुलिस वाले अंदर आए और वो लोग कहने लग गए कि ये शिनचैन पिनचैन का भी हाथ होगा इस गाड़ी को चुराने में, तो उन दोनों को भी पकड़ के ले गए वो। क्या बकवास कर रहा है तू? वही तो यार कलवे, देख ले भाई। अच्छा तो कब पकड़ के ले गए? बे उसी दिन भाई जिस दिन तू आया नहीं। अबे आया था मैं, मतलब तेरे को पहले पकड़ा और उसी दिन थोड़ी देर बाद उनको भी पकड़ के ले गए वो। यार ये तो गलत बात है भाई, मेरे को तो अरेस्ट किया ही गया, ये शिनचैन पिनचैन को भी अरेस्ट कर लिया, तभी मेरे से मिलने के लिए कोई नहीं आया जेल में, क्योंकि वो दोनों तो ऑलरेडी जेल में बंद है, तू क्यों नहीं आया बे चॉप मेरे से मिलने के लिए? बे यार कलुआ, मेरे को पता ही कहा था कि तू है का।
तो शिंचन पिंचन से तो मिलने जाता होगा तू। अबे उनसे मिलने नहीं देते भाई, मेरे को लात मार के भगा देते हैं, कहते हैं कोई डॉगी नहीं मिलने दे सकते हम लोग। अरे भाई ये तो अलग ही ड्रामा हो रखा है। मैं तो सोच रहा था भाई कि मेरे को पुलिस वालों ने उठा के जेल में डाल दिया है, शिंचन पिंचन घर पे मजे से आराम कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ सेम डे उसी वक्त थोड़ी देर बाद ये शिंचन पिंचन भी अरेस्ट हो गए। इसका मतलब ये लोग जेल में है इस वक्त। हाँ यार कल इस वक्त जेल में पड़े हुए हैं वो लोग। ओहो लगता है किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की जेल में है, क्योंकि जिस जेल में मैं था उसके आजू बाजू तो नहीं थे वो लोग। हाँ भाई किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की जेल में होंगे। कल वे बचाओ उन लोगों को। बचा तो मैं लूंगा भाई, लेकिन प्रॉब्लम है। कलुआ प्रॉब्लम क्या है, जाके बचा। नहीं मतलब यार प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद भाग के आया हूँ पुलिस स्टेशन से। अब मैं अगर शिंचन पिंचन को बचाने जाऊं और पुलिस वालों ने पहचान लिया तो उनको तो छोड़ेंगे नहीं, मेरे को और अलग डाल देंगे जेल में। पै तू एक काम कर, तू पहले अपना पूरा हुलिया चेंज कर ले और फिर जा उनको बचाने के लिए। हाँ यार बात तो सही कह रहा है यार चौप तू। हाँ यार कलवे पहले तू हुलिया चेंज कर ले पूरा। रुक जा, एकदम पूरी ड्रेसिंग सेंस तो नहीं, हेयर स्टाइल पूरा चेंज करके आता हूँ, फिर ये बियर्ड स्टाइल पूरा चेंज करके आता हूँ ताकि पुलिस वाले मेरे को पहचान ही ना पाए, और फिर हम लोग चलेंगे गाइस शिंचन पिंचन को बचाने के लिए। बताओ यार 100 दिनों से वो लोग अलग ही जेल में बंद हैं, मैं तो यहाँ पर रोज नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो लोग बेचारे ऐसे ही बंद है। वो तो मुझे पता है तरीके भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे जेल से बाहर निकलने के, बट बहुत हुआ गाइस। मैं उन लोगों को जेल से छुड़ा के रहूंगा, अभी तक मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, अब बारी है उनको जेल से निकालने की। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं बार्बर की शॉप पे। पहले मैं अपना लुक चेंज करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग तरीके ढूंढेंगे भाई शिंचन पिंचन को बचाने के। तुम लोग एक काम करो गाइस, फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक कर दो अभी तक लाइक नहीं किया तो, ताकि हम लोग शिंचन पिंचन को जल्द से जल्द बचा सके और जेल से छुड़ा सके। भाई जाओ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके तो ये बाल काटने वाली दुकान कहाँ गई भाई, बार्बर की शॉप। अरे इसी रास्ते पे तो हुआ करती थी भाई। अच्छा पीछे ही छूट गई थी ये, इधर है ना भाई। ये तो रही भाई बार्बर शॉप। लेट्स गो गाइस, पूरा लुक चेंज करके आता हूँ मैं। हेलो मैडम, फटाफट से हेयर स्टाइल चेंज कर दो मेरा। यार कौन सा हेयर स्टाइल, अबे ये क्या है, और कैसे कैसे हेयर स्टाइल है। अरे कौन सा हेयर स्टाइल करवाऊँ जिसमें मेरे को कोई पहचान ही ना पाए। अरे आंटी जी बड़े बड़े बाल नहीं कर सकती क्या आप, कोई टकला ही हो जाऊँ क्या। हाँ यही ठीक रहेगा आई गेस। यस गाइस टकले ही हो जाते हैं भाई, पहचान नहीं पाएगा कोई। बढ़िया, अब बारी रही दाढ़ी की। बियर्ड जो है वो हम लोग करेंगे एकदम अलग सी, जैसे कि ये वाली। नाइस ओके, तो दाढ़ी भी बन गई, बाल भी बन गए। थोड़ा मुश्किल तो हो गया यार मेरे को पहचानना अब, सीरियसली में कोई भी पहली नज़र में इतनी आसानी से नहीं पहचान पाएगा। अब कपड़े बदलते हैं भाई, फटाफट से कपड़े बदलते हैं, पूरा ही लुक चेंज हो जाएगा अपना। लेट्स गो। बात रही कपड़ों की, तो कपड़ों की दुकान यहाँ पर है एक बढ़िया सी। यहाँ से मैं फटाफट से अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके नए कपड़े मैंने पहन लिए हैं, लगता नहीं है भाई अब पुलिस वालों के लिए मेरे को पहचान पाना आसान होने वाला है भाई। सीरियसली मैं पूरा लुक चेंज कर लिया है, अब चॉप से पता करते हैं कि ये पुलिस वाले शिंचन पिंचन को किस जेल में लेकर गए हैं, मतलब किस पुलिस स्टेशन की जेल में लेकर गए हैं, और फिर हम लोग चलेंगे गाइस वहीं पर उनको बचाने के लिए। जल्द से जल्द बचाते हैं भाई, जल्द से जल्द। लेट्स गो। आ गया भाई, आ गया घर की तरफ आ गया। ओके चॉप भाई, हेलो चॉप भाई मैं आ गया। तू सबसे पहले मेरे को ये बताइए पुलिस वाले किस जेल में उठा के लेकर गए हैं। बै वो वाली जेल ही है भाई, लॉस सेंटोस में, वो लॉस गैंग के सामने वाली। अच्छा हाँ हाँ, मतलब जेल थोड़ा ना, वो तो पुलिस स्टेशन है। हाँ तो वहीं पे जेल बनी हुई है, उसी में लेकर गए हैं भाई। ओके ठीक है समझ गया मैं। बै हाँ यार कल प्लीज़ जाके बचा यार, पिछले 100 दिन से बंद है वो लोग। टेंशन मत ले चॉप भाई, बचाने का दिन शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला दिन गाइज उन लोगों को जेल से छुड़ाने का, देखते हैं क्या पता पहले दिन हम लोग जेल से छुड़ा ले भाई उन्हें, कोई भरोसा नहीं है। चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। तो डे वन हमारा शुरू हो चुका है गाइस शिंचन पिंचन को बचाने का। बट बचाने से पहले मैं आज कंफर्म करना चाहता हूँ कि जिस जेल के बारे में, जिस पुलिस स्टेशन के बारे में चॉप कह रहा है कि हाँ भाई इसी पुलिस स्टेशन के अंदर शिंचन पिंचन को अरेस्ट करके रखा गया है, सच में ही पक्का भाई ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन तो है ना भाई। पता चला मैंने बहुत सारी मेहनत कर ली बचाने के लिए, गया तो नहीं कहीं और जेल में शिफ्ट कर दिया है, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज
मैं आया हूँ फर्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि शिनचैन और पिनचैन इसी पुलिस स्टेशन में है या फिर नहीं। जहाँ तक मेरे को लगता है भाई, जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, आई हैव नो आइडिया। चेक करते हैं यहाँ पर शिनचैन पिनचैन है कि नहीं। हेलो सर, मैं मिल सकता हूँ जरा प्रिजनर से? मिल तो सकते हो, लेकिन क्या करोगे मिलकर? कौन हो तुम? मेरा नाम फ्रैंकलिन है, वो शिनचैन पिनचैन नाम के दो दोस्त हैं मेरे, पिछले 100 दिन से बंद है, उनसे मिलने के लिए आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मिल सकते हो। थैंक यू सर, कहाँ जाना है? आगे जाओ। ओके ओके। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो, क्या किधर जा रहे हो? सर मेरे दो दोस्त हैं शिनचैन और पिनचैन नाम के। सर वैसे आपका लुक और मेरा लुक एक जैसा नहीं है, हैं? हम दोनों तो भाई भाई लग रहे हैं। काम क्या है ये बताओ। हाँ मैं काम कह रहा था कि शिनचैन पिनचैन मेरे दोस्त हैं, ये 100 दिन से जेल के अंदर बंद है, उनसे एक्चुअली मैं मिलने के लिए आया हूँ मैं। ओके, तुम्हारे पास मिलने के लिए पेपर्स हैं? मिलने के लिए पेपर्स भी चाहिए और क्या। अरे सर 2 मिनट बस, मिल के चला जाऊंगा मैं। ठीक है जा सकते हो, हमारा ऑफिसर तुम्हारे संग जाएगा। अरे अब ऑफिसर भी जाएगा, कोई बात नहीं, भेज दो अपने ऑफिसर को। ओके तो आ चुके हैं गाइस। और अब भाई साहब, ये पुलिस स्टेशन के अंदर की जेल कैसी है भाई? यहाँ तो पहली बार ही आया हूँ मैं। अरे एक पुलिस वाला संग संग आया है मेरे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं शिनचैन पिनचैन कहाँ है। ये तो कोई और बंदा लग रहा है। शिनचैन पिनचैन ये रहे? ओए शिनचैन पिनचैन भाई, हेलो कैसे हो तुम लोग? अरे यार तुम अब आए हो हमें बचाने के लिए? वैसे तुम हो कौन है यार? अबे पहचान तो लिया ही है भाई तुम लोगों ने। अरे लेकिन तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया? अबे चुप हो जाओ 2 मिनट, पहले ये बताओ तुम लोग यहाँ कैसे, मतलब कब कैसे? पहले ये बताओ इतने दिनों बाद क्यों आए? अबे मैं खुद पिछले 100 दिनों से जेल में बंद था यार, बड़ी मुश्किल से भागा हूँ मैं आज। क्या बकवास कर रहे हो यार? हाँ वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि क्या ड्रामा चालू है ये? क्या ड्रामा क्या यार, अबे प्लीज यहाँ से निकालो। हेलो सर 2 मिनट हम लोग पर्सनल बातें कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तुम लोगों का क्या बकवास कर रहे हो, निकालो निकालो, मैं तो बस मिलने के लिए आया हूँ तुमसे। अरे यार बचाने के लिए नहीं आया क्या? अबे पीछे पुलिस वाला है, उसके सामने ही सारी बात बताऊं तुम्हें? अरे ठीक है यार, समझ गए समझ गए। बाकी और कौन से कैदी हैं? ओहो एक कैदी। अरे सर ये वाली जेल क्यों खाली है, इसमें भी एक डालो ना। तुम्हें भर दे। नहीं 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 मुझे भरने की जरूरत नहीं है। तुम मिल लिया इनसे? हम मिल लिया सर मिल लिया। अरे यार कब बचाने आओगे? देखता हूँ भाई, कोशिश करूंगा मैं, जल्दी आ रहा है यार प्लीज। ओके चलो भाई, देख तो लिया कि ये लोग इस वाली जेल के अंदर बंद है। चलो चॉप की इन्फॉर्मेशन गाइस पक्की थी, चॉप ने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सर चलो आ जाओ। चलो चलो। थैंक यू सर अंदर मिलने देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई चलो चलो चलो। एक चीज़ तो सही है गाइस, ये जो मैंने हुलिया चेंज किया है, इसके बाद इन पुलिस वालों में से किसी ने भी पहचाना नहीं है कि ये वही कैदी है जो 100 दिन बाद जेल तोड़ के भागा है, किसी को भी नहीं पता है, तो ये तो एक बढ़िया चीज़ हो गई है। आज फिलहाल फर्स्ट डे तो गाइस मिलने में ही निकल गया शिनचैन पिनचैन से, और चलो इतना तो एटलीस्ट कंफर्म हो गया कि हाँ ये लोग इसी जेल के अंदर बंद है। अब कल से मैं अपना सबसे पहला तरीका आजमाऊंगा इनको बचाने का। मिलते हैं डे 2 पर। तो आज है डे 2 और मैंने जो ये वाली गाड़ी है इसको पूरा रिपेयर भी करवा लिया है। तो डे 2 है गाइज, आज मुझे ट्राई करना है कुछ भी करके इन लोगों को बचा लूँ मैं। और मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया आया तो है भाई, देखो आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं क्या करूँगा, मैं जाके भाई इन पुलिस वालों से कहूँगा कि सर पुलिस स्टेशन काफ़ी गंदा सा हो गया, मेरे को साफ़ सफाई करने का मौका दिया जाए, और फिर शायद से साफ़ सफाई करने का मौका देंगे और मैं इसी बीच जाके भाई शिनचैन पिनचैन को बचा लूँगा जेल से। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो वैसे सिंपल सा है, पता नहीं साफ सफाई का मौका देंगे कि नहीं देंगे ये लोग, एक बार चल के देखते हैं क्या होता है। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो सर, मैं एक्चुअली मैं साफ सफाई वाला हूँ। क्या कल ही तो तुम आए थे। अबे ये तो मैं भूल ही गया, ऐसे ही थोड़ा ना जाके सीधे साफ सफाई वाला बन जाऊंगा मैं। नहीं नहीं हुलिया चेंज करना पड़ेगा। अबे यार ऐसे तो बार बार हुलिया चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ गाइस साफ सफाई वाला बन के। तो अभी आ चुका हूँ मैं एकदम मस्त भाई, कपड़े वपड़े बदल के एकदम साफ सफाई वाला बन के। हेलो सर, साफ सफाई की जरूरत है क्या ऑफिस में, मतलब पुलिस स्टेशन में? है तो सही। तो जा सकता हूँ मैं साफ सफाई के लिए? लेकिन हमारे यहाँ कल ही सफाई हुई है। अबे यार गलत 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 प्रोफेशन बन के आ गया मैं। निकल जाओ अभी यहाँ से, जरूरत नहीं है, अगले महीने आ जाना।
अरे तो गधे पहली बता देते मैं इतने कपड़े क्यों चेंज करके आता। सेकंड डे फेल गाइस, दूसरे दिन हमारा फेल हो गया भाई मिशन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मैं एक दिन का इंतजार क्यों कर रहा हूँ, उसी दिन क्यों नहीं ट्राई कर रहा, क्योंकि भाई ये पुलिस वाले पकड़ लेंगे अगर बार बार एक ही दिन में अलग अलग चीजें करता रहूंगा तो। इसीलिए मुझे नेक्स्ट डे का इंतजार करना ही पड़ रहा है बार बार। फिलहाल फर्स्ट डे तो मैं मिलने गया बस, सेकंड डे साफ सफाई वाला बन के गया, लेकिन इनके यहाँ तो ऑलरेडी कल ही सफाई हुई है, इसीलिए ये प्लान भी फ्लॉप। कल कुछ नया प्लान सोचेंगे और बचाने की कोशिश करेंगे शिनचैन और पिनचैन को। तो आज है तीसरा दिन और मुझे एक बहुत ही तगड़ा आइडिया आया है। मैं क्या सोच रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में हल्की सी आग लगा दी जाए और फिर मैं बन के आ जाऊंगा फायर ब्रिगेड वाला। तो आइडिया काफी ज्यादा बढ़िया है, प्लान वर्क तो करना चाहिए, पता नहीं भाई क्या होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यार फायर स्टेशन चलते हैं, वहां से एक फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ी चुराते हैं और फिर मैं बन के आ जाऊंगा फायर ब्रिगेड वाला। एकदम मस्त प्लान है, देखते हैं क्या होता है। वैसे गाइस तुम लोग जाकर यार फटाफट से वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि यार तीसरे दिन तो एटलीस्ट मैं शिनचैन पिनचैन को निकाल सकूं जेल के अंदर से। ओके कम ऑन लेट्स गो, लेट्स डू दिस। ये रहा फायर स्टेशन। अबे यार एक भी गाड़ी नहीं है फायर ब्रिगेड वालों की। कोई बात नहीं, फायर ब्रिगेड वाले तो हैं, इनके कपड़े तो छीन लूं एटलीस्ट मैं। हेलो सर कपड़े दो, हेलो सर कपड़े दो सर, कपड़े दे। चलो भाई किसके कपड़े पहनूं, एक ना एक के तो फिट आ ही जाएंगे, पहन लेते हैं। चलो भाई कपड़े फिट तो आ गए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तो चाहिए, सिर्फ कपड़ों से थोड़ा ना होता है। अरे लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्यों चाहिए, छोटी मोटी तो आग लगानी है। इस तरीके से मैं गाइस एंटर कर जाऊंगा भाई आग बुझाने के लिए जेल के अंदर, और फिर बचा लेंगे शिनचैन विनचैन को। लेट्स गो भाई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई आग कैसे लगाने वाला हूँ मैं, वो देखते जाओ बस तुम लोग। ओके यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को रखते हैं, आराम से चलते हैं और निकाल लेते हैं मोलोटोव। मोलोटोव से बहुत जल्दी आग फैलती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं इस पुलिस स्टेशन के अंदर जाने में। अबे यार इधर तो बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, ये तो डायरेक्टली मेरे को देख लेंगे। और रुक जा गाड़ी वाले, छुपने दे भाई, अरे छुपने दे यार रुक जा। ओके तो यहाँ पर फेंकते हैं मोलोटोव। ओ नो आग लग गई, जल्दी 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 आग लग गई है। अरे मेरा फायर एक्सटिंग्विशर, अरे क्या निकाल रहा है मैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है मेरा यार, इतने सारे वेपन्स क्यों लेकर आया यार मैं। ओ माई गॉड कौन गोलियां चला रहा है, ओ माय गॉड आग लग चुकी है सर, सर शायद से ही आग फैल जाएगी पुलिस स्टेशन के अंदर भी। अरे लेकिन हमने फायर ब्रिगेड को तो बुलाया नहीं, तुम कहां से आ गए। सर मैं इधर से गुजर रहा था तभी मैंने ये आग देखी है। अच्छा ठीक है बुझा दो, चलो बुझ गई आग। अरे बुझ गई है तो। सर मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है। फायर ब्रिगेड को कॉल करने की जरूरत नहीं थी, आग बुझ गई है। अबे यार कितनी छोटी सी आग लगी भाई, आग तो बुझ भी गई। सर दोबारा आग नहीं लगेगी क्या, पता नहीं आग कैसे लगी, वैसे थैंक यू ऑफिसर। अबे यार मुझे तो लगा ये आग फैलती जाएगी अंदर अंदर, एंटर कर जाऊंगा मैं आग की आड़ में, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो ये प्लान भी मेरा फ्लॉप हो गया यार, फालतू के प्लान सूझ रहे हैं मेरे को। रुको भाई कल डे 4 के अंदर बढ़िया सा प्लान लेकर आऊंगा और तबाही मचा दूंगा मैं। यस गाइस कोई बात नहीं, डे 3 का प्लान भी फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं, होता है। मैंने भी एस्केप करने की कोशिश की थी जब जेल से, तो पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन मेरे सारे प्लान फ्लॉप हो रहे थे, आखिरकार 100वें दिन तो एस्केप कर गया ना भाई मैं। इसी तरीके से भाई शिनचैन मिनचैन को भी बचा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 ही दिन तो हुए हैं, कल चौथे दिन का इंतजार करते हैं। डे 4th है गाइस और आज अभी भी मैं फायर ब्रिगेड वालों की ड्रेस में घूम रहा हूँ। इस ड्रेस को चेंज करेंगे बट बाद में करेंगे, क्योंकि मेरे को एक मस्त आइडिया आ चुका है। देखो भाई हमेशा मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ जेल में, ठीक है, मतलब जेल क्या पुलिस स्टेशन की वो जो सेल वाला एरिया है वहाँ पर। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, इस बार एंट्री करने की कोशिश करता हूँ मैं टॉप से, भले कहीं भी पहुँचे, सेल में पहुँचे या फिर कंपाउंड में पहुँचे, पुलिस स्टेशन के कहीं भी किसी भी इलाके में पहुँचे, लेकिन छत से एंटर करने की कोशिश करता हूँ मैं। और इस तरीके से एंटर करके आई गेस हम लोग शिनचैन पिनचैन जिस जेल के अंदर बंद है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आइडिया काफ़ी सिंपल सा है, आइडिया काफ़ी प्यारा सा है, देखते हैं आइडिया एग्जीक्यूट करते हैं होता क्या है, लेट्स सी। फिलहाल कपड़े वपड़े दूसरे पहन के आता हूँ यार, रुक जाओ ये फायर ब्रिगेड वाला बन के थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे भाई बाथरूम है क्या इधर, चलो भाई चलो रेडी हूँ मैं, अभी फटाफट से चलते हैं। नहीं नहीं गाड़ी तो यहीं रहने दो, पैदल ही चलते हैं हम लोग पुलिस स्टेशन, वो रहा पुलिस स्टेशन। बचा के तो रहूंगा भाई मैं, कुछ भी हो जाए शिनचैन पिनचैन को बचा के तो रहूंगा भाई, मेरे को पता है कितनी हालत खराब होती है जेल के अंदर। ओके ओके ऐसे मैं मिलने गया था यार, उसमें नोटिस किया मैंने वॉशरूम नहीं था भाई,
है ना भाई, तुम लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, बट वॉशरूम नहीं था गाइस वहाँ पे। फिलहाल ये जेल के पीछे वाला इलाका है क्या? नहीं, बगल वाला इलाका है, मेरे को तो जेल के टॉप के ऊपर जाना है। और वैसे भी ये जेल थोड़ी ना है भाई, पुलिस स्टेशन है ये पूरा। के ये पीछे एक पतली सी गली है, और भाई यार इधर तो CCTV लगा है। चलो कोई नहीं। ओके, यहाँ पर एक पार्किंग है, तो पार्किंग की छत से हम लोग पुलिस स्टेशन की छत पे जाएंगे, और फिर पुलिस स्टेशन की छत से हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे, और फिर वहाँ से जेल की तरफ पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये पूरी की पूरी जेल जिसमें मैं शिनचैन पिनचैन को मिलकर आया भाई, वो पूरी जेल पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। कुछ भी करके बस एक बार पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर कर जाऊँ मैं, फिर तो बचा लूँगा। ओके ओके ओके, आ गया। आज फिलहाल day 4 है ये मेरा। तो सबसे पहले यहाँ से एक ब्यूटीफुल सी जंप लगाते हैं सामने वाली वॉल की तरफ। कम ऑन, बहुत ही बढ़िया जंप। अब यहाँ से ये पुलिस स्टेशन पे आ गया मैं, पुलिस स्टेशन से इधर चलते हैं आराम से एकदम ब्यूटीफुल तरीके से, किसी को पता नहीं लगना चाहिए मैं किधर कूद गया। बताओ यार, पिछली ट्राई में तो मैं इधर से गिर ही गया डायरेक्ट। अब की थोड़ा संभाल के चढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल टेक इट ईजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं पकड़ने वाला मेरे को, बस अभी ऊपर चढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है आराम से। यहाँ से अब हम लोग शॉर्टकट लेने वाले हैं गाइज, इन AC डक्स की हेल्प से मैं डायरेक्टली यहाँ पर टॉप पे पहुँच जाऊँगा पुलिस स्टेशन के, और फिर हम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे भाई। सीढ़ियाँ तो जा ही रही होंगी छत से, उन सीढ़ियों की हेल्प से हम लोग नीचे जेल की तरफ बढ़ जाएंगे और बचा लेंगे शिनचैन पिनचैन को एकदम बढ़िया तरीका। ओए इधर क्या कर रहे हो? सर वो आप लोग यहाँ छत पे भी पहरा देते हो? नहीं तो हमारे AC डक में थोड़ा कचरा फंस गया यार, उसी को ठीक करवा रहे हैं। अच्छा सर, तू यहाँ क्या कर रहा है पहले ये बता। सर मैं भी वो AC डक रिपेयर करने वालों की तरफ से ही हूँ, कुछ सामान मंगवाया था उन लोगों ने। अच्छा अच्छा, लेकिन तेरी ड्रेस कहाँ है? सर मेरी ड्रेस थोड़ी गंदी हो गई थी तो मैंने आज धो डाली है, तो वो सूखी नहीं है अभी तक। अच्छा तो तू क्या करने आया भाई? मैं सामान मंगवाया था AC डक वालों ने, उसी को देने के लिए आया हूँ। अरे यार मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं तो सोचा यार छत एकदम मस्त खुली खुली होती है, हम लोग बचा लेंगे यार शिनचैन पिनचैन को छत के रास्ते से, लेकिन यहाँ पर भी भाई ये पहरा नहीं देते हैं नॉर्मली, लेकिन आज AC डक की रिपेयरिंग का काम चालू है इसीलिए ये छत पे ही था और इसने मेरे को पकड़ लिया। भागो यार यहाँ से, इससे पहले कि मेरे पीछे एक आध पुलिस वाले लगाए, भागो यहाँ से। मेरा day 4 भी वेस्ट हो गया गाइस, क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा मैं, मैं ट्राई करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो। day 5 आए, day 6 आए, day 7 आए, day 8 हो, day 9, day 10, day 11, मैं ट्राई करता रहूंगा, लेकिन शिनचैन और पिनचैन को बचा के तो रहूंगा भाई, कुछ भी हो जाए कुछ भी। तो पूरे 99 दिनों के बाद तो बीत चुके हैं गाइस पूरे 100 दिन। यस, आज day 100 है। पिछले 99 दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस किसी तरीके से शिनचैन और पिनचैन को बचाया जाए, बट मेरे सारे के सारे प्लान फ्लॉप होते जा रहे हैं सीरियसली। मैं भाई मैंने हर दिन ट्राई किया भाई, डेली एवरी डे हर दिन कोई ना कोई नया प्लान, 5th day, 6th day, 15th day, 50 day, 60, सारे दिनों ट्राई करते आया हूँ मैं। 99 डेज बीत चुके हैं, आज 100th डे है, और 100th डे के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं है भाई। मैंने कभी पेस्ट कंट्रोल वाला बन के, तो कभी आग लगा के, तो कभी स्मोक ग्रेनेड्स फेंक के भी ट्राई किया, उसमें भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। इसीलिए गाइस 99 दिनों के बाद भी अभी तक शिनचैन पिनचैन को मैं जेल से नहीं छुड़ा पाया हूँ, और आज 100वां दिन है। मैंने सोचा था कि आज तो कुछ भी करके भले पुलिस स्टेशन में मेरे को बॉम्ब फेंकना पड़ जाए, लेकिन बचा के तो रहूँगा। लेकिन यार नहीं सूझ रहा भाई कुछ आइडिया, अब क्या सीधे बॉम्ब भी फेंक दूँ? बॉम्ब में तो वो शिनचैन पिनचैन भी उड़ जाएंगे, क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं सूझ रहा है भाई। शॉप के पास चलते हैं, मे भी वो कुछ आइडिया सुझा दे। घर की तरफ पहुंचने वाला हो गाइस फाइनली भाई, हर दिन अलग अलग पैतरे आजमाए, हर दिन अलग अलग ट्रिक्स का यूज़ किया, लेकिन नहीं बचा पाया, नहीं छुड़ा पाया भाई उन लोगों में। ऐसे मेरे को भी पुलिस वालों ने जेल में डाला था, तो हर दिन मैंने नए नए ट्रिक्स यूज़ किए थे, 100th डे जाकर मुझे सक्सेस मिली, शायद आज मिल जाए जॉब। भाई यार मैंने 99 डेज से हर दिन ट्राई किया है, शिनचैन पिनचैन को नहीं बचा पा रहा भाई मैं। भाई यार कलवे यार क्या करे भाई, तू कुछ सोच यार। भाई हर रोज भाई 99 आइडिया सोच चुका हूँ मैं, और हर तरीके से ट्राई कर चुका हूँ, नहीं बचा पा रहा मैं उन लोगों को जेल से, या तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कुछ लफड़ा हो जाता है। भाई तू एक काम कर, पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दे भाई। पे यार प्रैक्टिकल बात कर भाई, पुलिस स्टेशन पे मान ले अटैक कर देंगे, जाएंगे कहाँ फिर हम लोग बच के? हाँ यार शिनचैन पिनचैन तेरी तरह हुलिया भी तो नहीं चेंज कर सकते, दाढ़ी मूछें भी तो नहीं है उनकी, वही तो भाई नहीं अटैक कर सकते, प्लान अलग ही बनाना पड़ेगा भाई।
या तो क्या प्लान यार कलवे, सोच क्या सोचे, कुछ तो सोच भाई चौप, कुछ तो सोच। यार कलवे क्या सोचूं भाई, तू तो कम से कम उनसे मिल के तो आ गया, मैं तो मिल के भी नहीं आ पाया, पुलिस वाले ने तो मेरे को वहीं से भगा दिया, पुलिस स्टेशन के गेट से ही। बताओ लगता है मेरे से डरते हैं वो लोग। डरते हैं? हाँ क्या पता डॉगी से डरते हो वो, डॉगी से डरते हैं वो लोग शायद भाई, तभी तो मेरे को अंदर नहीं घुसने दिया, एक पुलिस वाला तो थोड़ा हट भी गया था मेरे को देख के साइड में। अच्छा ओके चौप, एक काम करेगा तू? मैं क्या यार कलवे, तेरे दोस्त तो होंगे गली में बहुत सारे। मैं बहुत सारे कुत्ते हैं भाई गली के, पूरे लॉस सैंटोस के डॉगीज मेरे दोस्त हैं, तो जरा बुलाएगा भाई सबको जरा घर पे। कितने बुलाऊं भाई, 2-4-5 बुला ले। ठीक है भाई कलवे अभी बुलाता हूँ, रुक जा। मैं कलवे पीछे देख अपने पीछे, ओ तेरी, अरे पूरी डॉगीज की फौज ही बुला ली इसने तो, लेकिन भाई इतने डॉगीज से नहीं होगा। मैं कलवे तू डॉगीज का करेगा क्या भाई, तू पहले इनको बोल कि ये लोग मेरे पीछे लग जाए तेरा पिछवाड़ा नोचने के लिए। नहीं नहीं भाई बस मेरे पीछे अटैक कर दे ये हल्का फुल्का। ओए सुन लो, ए मेरी बात ध्यान से सुनो, अटैक करना है भाई तुम्हारे पीछे जो टकला कलुआ है इसके पीछे अटैक कर दो, और ये भी कह दे कि भाई इनके भी जो और दोस्त हैं उनको भी कह दे कि मेरे पीछे अटैक कर दे। क्या कलुआ तू चाहता क्या है भाई? मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे भाई 30-40-50 डॉगीज एकदम पड़े हो भाई मेरे को काटने के लिए। ओ हाँ भाई उससे होगा क्या, तू बस भेज दे यार इन सबको पुलिस स्टेशन की तरफ और कह दे मेरे पीछे अटैक कर दे। ठीक है भाई कलवे अभी भेज देता हूँ, लेट्स गो। और अब हम लोग निकलते हैं गाइस पुलिस स्टेशन। आई नो तुम लोगों को अभी तक प्लान समझ में नहीं आ रहा होगा गाइस कि मेरा प्लान क्या है, बट देखते जाओ भाई, ये 100वें दिन आज मैं शिनचैन पिनचैन को बचा के तो रहूंगा भाई। यस डेफिनेटली आज तो बच जाएंगे, आराम से बच जाएंगे, ये प्लान मेरा 100% वर्क करने वाला है। बस एक बार चौप इन सबको भेज दे पुलिस स्टेशन, बहुत सारे डॉगीज मेरे पीछे पड़ जाए, फिर देखो मेरा प्लान क्या मस्त काम करता है। तो गाइज आ चुका हूँ मैं पुलिस स्टेशन की तरफ, अपनी गाड़ी उधर साइड में लगाना था यार, नीचे ही बिल्कुल ही फिसल के आ गया मैं तो। चलो ऊपर लेकर चलते हैं गाड़ी को, तो यहाँ पर गाड़ी को एकदम मज़े से साइड में लगाते हैं, अब बस इंतज़ार है तो चौप की डॉगी फौज का। जैसे ये डॉगीज आएंगे अपना काम हो जाएगा। अरे भाई चौप ने डॉगीज अभी तक भेजे नहीं भाई। ओके गाइस तो यहाँ पर भाई चौप ने भेज दिया अपने सारे दोस्त, लिटरली में बहुत सारे हैं ये तो, और यही तो चाहिए था हमें। आ जाओ कम ऑन डॉगीज, चौप भी आया क्या? नहीं चौप नहीं आया, चौप जैसे और भी डॉगीज आए। आ जाओ कम ऑन डॉगीज, वी कैन डू दिस। चलो भाई अब डायरेक्टली अटैक करते हैं पुलिस स्टेशन पे, लेट्स गो कम ऑन। आ जाओ अबे जल्दी आओ ना भाई, तुम लोग तो बड़े स्लो। आ जाओ हेलो सर, सर अटैक हो गया मेरे ऊपर डॉगीज का। अरे ये कहाँ से आ गए इतने सारे डॉगीज? सर पता नहीं कहाँ से आ गए इतने सारे डॉगीज सर, और सर बचाओ मेरे को। अरे अरे किसको कॉल करें, फायर ब्रिगेड को किसको? अरे वो मेरे को नहीं पता सर, लेकिन जिसको भी कॉल करना है जल्दी से करो सर, ये डॉगीज ने पूरे पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया है। अरे हाँ यार बात तो सही कह रहे हो सर, ये डॉगीज बिल्कुल मान नहीं रहे सर, पुलिस स्टेशन पे पूरे हमला कर दिया है, क्या करें अब? ओके ओके टीयर गैस मैंने फेंक दिया गैस थोड़े बहुत, बढ़िया बढ़िया, इनसे उन डॉगीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जो पुलिस वाले हैं ये फिलहाल बेहोश होते चले जाएंगे। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी तेजी के साथ जो पुलिस वाले हैं वो बेहोश होते जा रहे हैं, लिटरली में सारे पुलिस वाले बेहोश हो गए भाई। बढ़िया 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 बढ़िया, यही तो चाहिए था हमें। अब जब तक कोई और पुलिस वाले आएंगे भाई सबको यही लगेगा कि डॉगीज ने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे और सारे कैदी भाग गए, किसी को भी ऐसा नहीं लगने वाला कि कोई बंदा लेकर आया था और ये पूरा एक प्लान का हिस्सा था। अब डॉगीज ओए सुन लो, रुक जाओ, अब मेरी बात सुनो, अबे थम जाओ भाई 2 मिनट मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ शिनचैन पिनचैन को बचाने के लिए, तुम लोग यहीं पर रहना ठीक है, भागना नहीं यहाँ से कहीं भी, रुको यहीं पे रुको, मैं चला अंदर, जान दो मेरे को। अबे जाने दो भाई मेरे को, क्या ही है ये, पर चौप ने ढंग से नहीं सिखाया गया इन लोगों को, अबे जाने दो मेरे को अंदर। ओके पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, अबे यार ये 2 पुलिस वालों के बारे में भूल ही गया, कोई बात नहीं एक को इधर से डाउन करते हैं, उसकी नजर कहीं और है, चलिए एक मुक्के में डाउन नहीं हुआ। ओ शिट शिट शिट, नहीं पैर पे गोली, सर सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी सर सॉरी। ओके नाइस बहुत ही बढ़िया। अरे यार तुम आ गए यार। बिल्कुल भाई, अरे लेकिन कितने दिल लगा दिया यार तुमने। चुप हो जाओ अभी तुम लोग, फिलहाल ये दोनों पुलिस वाले घायल, चाबी किसके पास है? चाबी इसके पास होगी, मिल गई चाबी, चाबी मिल गई है। अरे अरे हमें भी छुड़ा दो यार, अगर छुड़ा नहीं आए हो तो। अरे पहले हमें तो छुड़ाओ यार। अरे यार मुझे भी, मेरे पे भी थोड़ा तरस कर लो यार। अबे रुक जाओ भाई,
पहले शिनचैन बिनचैन को बचाने दो। और ये खुल गया इनकी जेल का ताला। कम ऑन शिनचैन बिनचैन, आ सकते हो तुम लोग, बाहर आ जाओ। अरे यार फाइनली पूरे 200 दिनों के बाद जेल से छूटी गए हम लोग। छूटे कहाँ हो, तो मैंने बचाया है। वैसे पिछले 100 दिनों से तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, उससे पहले 100 दिन से ये ऑलरेडी बंद है। अबे तुम लोगों ने भागने की कोशिश नहीं की? अरे कुछ आइडिया ही नहीं यार सूझे भागने का, वैसे इतने दिन क्यों लगा दिया हमें बचाने में। तुम्हें क्या पता भाई, रोज डेली मैं कोशिश करता था तुम लोगों को बचाने की। कभी मैं साफ सफाई करने वाला बन के आता था, कभी छत से एंट्री लेने की कोशिश करता था, कभी कहीं से एंट्री लेने की कोशिश करता था, कभी आग लगा के फायर ब्रिगेड वाला बन के, लेकिन सारे प्लान फ्लॉप हो जाते थे। आज फाइनली ये प्लान काम कर गया है। क्या प्लान था यार? बाद में बताऊंगा, बाहर चलते हैं, पता चल जाएगा, पहले इन लोगों को भी बचा लेते हैं। आ जाओ बे, आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी क्या खुश हो जाओगे, क्या याद रखोगे मेरे को। और कोई तो नहीं है? अरे नहीं बॉस, और कोई नहीं है। तो आ जाओ फिर, कम ऑन शिनचैन पिनचैन। अरे लेकिन प्लान तो बताओ, प्लान क्या था? बताता हूँ, पहले बाहर तो निकले पुलिस स्टेशन से, अपने आप ही पता चल जाएगा तुम लोगों को प्लान। अरे ये क्या है यार, निकलते ही डॉगीज ने हमला कर दिया। अबे हमला नहीं किया है, इन सबको चॉप ने भेजा, ये सब चॉप के दोस्त है। अरे हाँ यार, ये तो इसको तो मैं जानता हूँ। अबे जान पहचान छोड़, अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि और पुलिस वाले आ सकते हैं भाई। लेकिन यार ये डॉगीज अपने अपनी जगह पर चले जाएंगे। डॉगीज, तुम लोगों का काम हो चुका है, और जितनी हेल्प चाहिए थी तुम लोगों से उतनी हेल्प तुम लोगों ने कर दी है, काफी बढ़िया तरीके से हेल्प किया तुम लोगों ने, इसलिए डॉगीज अब अपने अड्डे पर वापस लौट सकते हो तुम लोग। थैंक्स फॉर द हेल्प। फिलहाल डॉगीज तो निकल गए भाई अपने काम धंधे पे। तुम दोनों ने वैसे किया क्या था बे? हम लोगों ने किया क्या था बे? हाँ मैंने तुम लोगों को जेल से तो छुड़ा लिया, क्या किया क्या था भाई तुम दोनों ने? वो एक्चुअली में, अरे बता ना, हंस क्या रहा है? वो हम लोगों ने पुलिस स्टेशन से 3 बार भागने की कोशिश की थी। भागने की कोशिश, तो इसीलिए वापस तुम्हें जेल में डाल दिया? नहीं नहीं, ये तो हम लोग अपने तरीके बता रहे हैं भागने के। वैसे तुम पूछ क्या रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों ने क्राइम क्या किया था कि जिस वजह से तुम्हें जेल के अंदर बंद रखा था? वो हम लोगों ने एक बहुत ही महंगी गाड़ी चुराई थी। किसकी? अरे वो प्रेसिडेंट वाली हम लोगों ने नहीं चुराई। अच्छा तो किसकी गाड़ी चुराई थी? एक बहुत ही अमीर बंदे की। अच्छा जो भी किया हो भाई, तुम लोग करते रहो, मैं तो निकल लिया। अरे फाइनली छूट गए यार इतने दिनों के बाद जेल से। छूट तो गए, लेकिन भाई पुलिस वालों से बचने के लिए हमें कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वाले डेफिनेटली ढूंढने वाले हैं भाई हमें। अरे कोई बात नहीं, ये कुत्ते वाला आइडिया तो बढ़िया है। और चल बे, इस बार तो ये प्लान वर्क कर गया, पता चला अगली बार बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। वैसे भी तुम लोगों को बचाने के चक्कर में 100 आइडियाज यूज किए मैंने, 100 आइडियाज में से एक आइडिया वर्क कर पाया भाई। खैर जो भी हो गाइस, तुम लोगों को अगर आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके यहां से नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इंस्टाग्राम और एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, जाओ इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो। नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।